गणेश जी की जो चालीसा है ना, अगर आप वो पढ़ते हो तो उसके ना 7 लाभ हैं, मतलब बहुत फ़ायदे हैं। तो आप देखें क्या लाभ हो सकता है घर में, अगर आप उसको पढ़ते हैं रोज़, आप उसको पढ़ते हो तो घर में आपकी शांति बनी रहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है कि आपके घर में बहुत शांति बनी रहेगी आप अगर उस चालीसा को पढ़ते हैं तो। दूसरी बात, शत्रु का नाश होगा, जो लोग होंगे जो बुरी नज़र रखते हैं आपके काम पे, आपके ऊपर, वो हर चीज़ जो भी आपके शत्रु है उन सबका नाश होगा। वो सबके लिए गणेश जी जानते हैं उनके लिए क्या गलत है और क्या सही है, तो वो उनका अपने आप ध्यान रखेंगे। बस आपको ये चालीसा करनी है। आपकी विवाह का जो वो है ना, विवाह शादी इन सब का जो मुहूर्त नहीं बन रहा है, जो भी दोष नहीं बन रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा अगर आप चालीसा पढ़ते हैं तो। रोज़ पढ़नी है आपको। आपकी जो बुध दशा है ना वो भी ठीक होगी। देखो आप बुधवार के व्रत रखना भी चालू कर दो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है और बुध दशा है आपकी तो आप बुध दोष भी है, तो आप ऐसा करो आप आराम से चालीसा पढ़ो और व्रत रखना चालू करो, गणेश जी की पूजा करनी चालू करो, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब जो भी वो जो बच्चे हैं ना, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप गणेश जी की चालीसा पढ़ें और बस आप हर दिन पढ़ें और बहुत अच्छे से रहें, उनकी पूजा करें, तो देख लो आपकी ज़िंदगी में कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छे से, सब अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छे से रहता है, आपकी लाइफ में सब अच्छा चलेगा अगर आप अच्छे से चालीसा पढ़ रही हैं तो। धन की प्राप्ति होगी, बहुत ही ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, हर चीज़ बहुत अच्छे से रहेगी आपकी लाइफ में। गणेश जी की जो चालीसा है ना, अगर आप वो पढ़ते हो तो उसके ना 7 लाभ हैं, मतलब बहुत फ़ायदे हैं। तो आप देखें क्या लाभ हो सकता है घर में, अगर आप उसको पढ़ते हैं रोज़, आप उसको पढ़ते हो तो घर में आपकी शांति बनी रहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है कि आपके घर में बहुत शांति बनी रहेगी आप अगर उस चालीसा को पढ़ते हैं तो। दूसरी बात, शत्रु का नाश होगा, जो लोग होंगे जो बुरी नज़र रखते हैं आपके काम पे, आपके ऊपर, वो हर चीज़ जो भी आपके शत्रु है उन सबका नाश होगा। वो सबके लिए गणेश जी जानते हैं उनके लिए क्या गलत है और क्या सही है, तो वो उनका अपने आप ध्यान रखेंगे। बस आपको ये चालीसा करनी है। आपकी विवाह का जो वो है ना, विवाह शादी इन सब का जो मुहूर्त नहीं बन रहा है, जो भी दोष नहीं बन रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा अगर आप चालीसा पढ़ते हैं तो। रोज़ पढ़नी है आपको। आपकी जो बुध दशा है ना वो भी ठीक होगी। देखो आप बुधवार के व्रत रखना भी चालू कर दो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है और बुध दशा है आपकी तो आप बुध दोष भी है, तो आप ऐसा करो आप आराम से चालीसा पढ़ो और व्रत रखना चालू करो, गणेश जी की पूजा करनी चालू करो, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब जो भी वो जो बच्चे हैं ना, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप गणेश जी की चालीसा पढ़ें और बस आप हर दिन पढ़ें और बहुत अच्छे से रहें, उनकी पूजा करें, तो देख लो आपकी ज़िंदगी में कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छे से, सब अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छे से रहता है, आपकी लाइफ में सब अच्छा चलेगा अगर आप अच्छे से चालीसा पढ़ रही हैं तो। धन की प्राप्ति होगी, बहुत ही ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, हर चीज़ बहुत अच्छे से रहेगी आपकी लाइफ में।